आपने इसके बारे में पहले पढ़ा होगा आज आपको कुछ नई वोकैबलरी भी पता चलेगी तो आइए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं, so, grade 6, हम यहां तक जानते हैं कि यूनिट नंबर सिक्स में हमने वाइल्ड लाइफ के बारे में बात की है हम अभी तक लेसन नंबर फाइव तक जितने भी टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं वो सब थे वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड यानी आज के लेसन में भी कुछ वाइल्ड होने वाला है ठीक है तो हम पढ़ने वाले हैं ग्रामर लेसन नंबर है सिक्स ठीक है हम करने वाले हैं एंटोनेम्स यूजिंग द प्रीफिक्सेस अन एंड एंटी ये आपकी बुक के पेज नंबर 131 पे दिया गया है ऑल राइट वन थर्टी वन एंड वन थर्टी टू दैट्स देज नंबर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे वन थर्टी वन एंड वन थर्टी टू पेज वन थर्टी वन पे दिया गया है एंटोनेम्स एंटोनेम्स क्या होते हैं जब वर्ड आता है एंटो Mean, it means opposite. आपने व पढ़ा होगा एंटी तो एंटी और एंटो जो होता है ना देर सॉर्ट ऑफ द सेम मीनिंग एंटी का मतलब होता है बिल्कुल उल्टा कर देना किसी चीज के बिल्कुल ऑपोजिट चले जाना तो ऑपोजिट एंटो मीनस ऑपोजिट नेम्स मीन यू नो नेट एच वर्ड्स विच आर ऑपोजिट फ्रॉम द रियल वर्ड

वर्ड एन टी ऑपोजिट बनाने के लिए यानी किसी चीज का जो वर्ड स्टेम स्टेम वर्ड है हमारे पास उसको बिल्कुल चेंज कर देना है मीनिंग तो ऐसे हमने बनाने एंटोनेम्स इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग एंटोनेम्स क्या होते हैं एक दफा उसको पढ़ लेते हैं मीनिंग में दूसरे लफ्ज से क्या है डिफरेंट है वर्ड भी डिफरेंट हो सकता है मीनिंग भी डिफरेंट है ठीक है जैसा कि गुड बैड

अगर अन लगा देते हैं उससे पहले तो हमें क्या पता चलता है कि जो स्टेम वर्ड होता है ना जो एक्चुअल अगर अन लगा दें किसी भी वर्ड के स्टार्ट में स्टेम वर्ड के स्टार्ट में तो वो क्या होता है वर्ड का बिल्कुल ऑपोजिट बन जाता है कैसे ऑपोजिट बनता है word for an is जैसे मैंने आपको बिल्कुल शुरू में बताया था कि एंटोनेम्स किसको कहते हैं ऑपोजिट को तो कभी भी हम ऑपोजिट वर्ड्स बनाते हैं तो उसका मतलब है वो कौन से वर्ड यूजुअल रिलायबल हैप्पी मींस खुश मीन आमतौर पर रिलायबल मीन ऐसी चीज जिसके ऊपर आप भरोसा कर सके भरोसेमंद ठीक है तो ये जो वर्ड्स हैं ये हमारे हैं स्टेम वर्ड्स यानी ये जो वर्ड्स हो गए अब इनके ऑपोजिट्स कैसे बनाएंगे एंटोनिम विद प्रीफिक्स अन अन लगा दिया सब वर्ड से पहले तो हम देखते हैं कि जब अन हमने लगाया तो क्या इन वर्ड्स का कोई मीनिंग है कि बस ऐसे ही वर्ड्स बन गए पढ़ के देखते हैं अनहैप्पी दैट्स अ वर्ड ना खुश हो जाना अनयूजुअल आमतौर पे ऐसा तो नहीं होता दिस इज अनयूजुअल कभी कभी होता है अनरिलायबल ऐसी चीज इस पर आप भरोसा नहीं कर सकते अनरिलायबल तो हमें ये पता चला कि जब हमने अन के वर्ड्स लगा दिए अन प्रीफिक्स लगा दी यहाँ पे सब वर्ड से पहले तो हमारा स्टेम वर्ड किस में चेंज हो गया एंटोनेम्स के अंदर क्या यूज किया हमने हमने यूज की जो प्रीफिक्स थी अन सब के साथ इनके मीनिंग्स जो मैं उर्दू में लिख देती हूँ ताकि हमें पता चल जाए कि हम किन वर्ड्स की बात कर रहे हैं अनयूजल आम तौर पर ना होना किस चीज का बहुत आमतौर पर ना होना रिलायबल जिस पर आप जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता चलो जी मीनिंग्स पता चल गए उर्दू में भी इंग्लिश में भी चले जी ये बात तो हमें समझ आ गई कि जब हम स्टेम वर्ड्स के आगे अन लगा देते हैं या उनसे पहले अन लगा देते हैं

सेविंग द साइबेरियन टाइगर उसमें हमने कुछ टू वर्ड ऐसे पढ़े थे जो आपकी नजरों से गुजरे होंगे आपने उन वर्ड्स के सामने यानी प्रीफिक्स अन यूएन लगी हुई जरूर देखी होगी क्या आप बोर्ड पर वो दो वर्ड्स देख सकते हैं बिल्कुल टॉप पे ये वही दो वर्ड है वेल डन अनएम्प्लॉयमेंट अनडिस्ट्रीब्यूटेड यानी के अनएम्प्लॉयमेंट मीन ऐसा अमल जहां पर क्या होता है आपके पास नौकरी नहीं होती रोजगार का कोई मौका नहीं होता रोजगार का कोई जरिया नहीं होता ठीक है अनडिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स किसी भी तरह से बिखरी हुई नहीं ठीक है डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती एक जगह पर क्या होता है बिल्कुल किसी इंटरप्शन के बगैर एक जगह पर सुलझी हुई पड़ी हुई कोई भी चीज अनडिस्ट्रीब्यूटेड अगर हम कहें ओके नाउ यू हैव फाइव एग्जांपल्स ऑफ अन प्रीफिक्स हमने तीन एग्जांपल्स पहले देखी दो एग्जांपल्स ये आ गई नाउ वी हैव फाइव वर्ड्स

अन लगा के हमने क्या करना है उनके एंटोनिम्स बनाने चलो इस काम को करते हैं सबसे पहले तो ये जो वर्ड्स हैं इनके हम क्या करते हैं अन लगा के इनके जो हमने एंटोनिम्स बनाने हैं उनको लिख लेते हैं अनहैप्पी वेरी गुड नाखुश यूजुअल अनयूजुअल रिलायबल अन रिलायबल अन एम्प्लॉयमेंट सब में अन लगा दिया तो क्या वर्ड हमने बिल्कुल ठीक बना दिए अन डिस्ट्रीब्यूटेड अब आप एक चीज देखें यहां तक मैं स्टॉप होने लगी हूं अब आप एक चीज देखें जो ये दो वर्ड्स थे ना ये दो वर्ड जो ऊपर लिखे थे मैंने क्या किया जब मैंने उनको स्टेम वर्ड में लिखा तो मैंने अन हटा के दोनों वर्ड लिखे हैं या आपने यहां मिस्टेक नहीं करनी इस चीज को इस चीज को घोर से देखना है ठीक है अच्छा जी नेक्स्ट वर्ड टाइडी टाइडी साफ सुथरा अन टाइडी गंदाइट ट्रेन अनट्रेन्ड नेक्स्ट वर्ड एबल वेरी गुड अनएबल इट्स वेरी इजी इन कॉमन वर्ड वेल शाबाश अनवेल हमने लिख दिया सब वर्ड्स को अन लगा के हमने उनके बना दिए एंटोनिम्स हाउ हार्ड वाज दिस टास्क कितना मुश्किल काम था ये वेरी इजी ना टोल्ड यू एंटोनिम्स बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं होता तो बच्चों आज के लेसन का एक टास्क तो हमने बिल्कुल पूरा कर लिया हमने अन प्रीफिक्स को यूज करते हुए एंटोनिम्स बना लिए अब हम बनाने वाले हैं एंटी प्रीफिक्स को लेके कुछ नए एंटेनेम्स तो आइए उस काम को करते हैं ओके पार्ट बी ये जो बी एक्सरसाइज है ना यहां पर लिखी हुई द प्रीफिक्स एंटी मीन्स द प्रीफिक्स एंटी मीन्स अगेंस्ट किसी चीज के खिलाफ होना ऑपोजिट हो जाना इन ऑपोजिशन टू देर इज समाइम्स अट बिटवीन एंटी एंड द अदर वर्ड आपने देखा होगा जब एंटी का वर्ड यूज किया जाता है तो उस वर्ड के इस प्रीफिक्स के और जो स्टेम वर्ड है उसके दरमियान छोटी सी डैश होती है जैसे आप यहाँ देखें हाइफन 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 ये वाली हाइफन है ना तो इसी तरह हम इस हाइफन को यूज करते हुए बनाते हैं एंटी के साथ प्रीफिक्स एक बहुत कॉमन आपने एग्जाम्पल अपनी उस न्यूज पेपर आर्टिकल में देखी होगी एंटी पोचिंग पेट्रोल यानी उसी पेट्रोल पुलिस के बारे में बात हो रही है उसी फोर्स के बारे में जो क्या कर रही है क्या कर रही है पोचर से

हम इन गैप्स को बिल्कुल फिल करने वाले हैं जब आप बीमार हो जाते हैं और आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर्स आपको क्या देते हैं हाँ जी एंटीबायोटिक्स का नाम तो सबने सुना होगा तो ये वही एंटीबायोटिक्स की बात हो रही है ठीक है तो हम यहाँ पर जो हमने एंटी वर्ड को यूज करते हुए बनाने ना तो हम यहाँ लिखते हैं एंटीबायोटिक्स A N T I N T बायोटिक्स ऐसी मेडिसिन जो हमारी बॉडी में जाके जर्म्स के साथ मिलके फाइट करती हैं दैट्स कॉल्ड एंटीबायोटिक ड्रग्स बी द रॉयल्स पुलिस वो कॉल्ड आउट व्हेन द डैश प्रोटेस्टर्स बिकेम वायलेंट रायट्स पुलिस क्या होती है ऐसा स्पेशल फोर्स जब कहीं पर भी आप देखें के प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे होते हैं पीसफुल प्रोटेस्ट वगैरह भी होते हैं समटाइम्स भी भी हो हो जाते जाते हैं हैं बड़े मसले सो so, ये ऐसी फोर्स होती है होती है है जो स्पेशली इस के लिए जब पब्लिक सड़क पे आती है पब्लिक रोड पे आती है तो राइट पुलिस ऐसी होती है जो सेव करती है उनको ठीक है गोड फॉरबेट किसी बॉम्ब ब्लास्ट से या किसी ऐसी जगह से कोई नेचुरल डिजास्टर इन केस इन एनी केस हो जाए तो ये जो राइट्स पुलिस होती है और जब ये वायलेंट हो जाते हैं जब बहुत ज्यादा वो हमारी बिल्डिंग्स को या किसी शॉप्स वगैरह को या लोगों को नुकसान पहुंचाए उस टाइम पर जो राइट्स पुलिस होती है ये वहां पर आके इन सब चीजों को सेव करती है सो so, इस सेंटेंस का मतलब है कि पुलिस को बुलाया गया था जब प्रोटेस्टर्स कौन से प्रोटेस्टर्स वो हम लिखते हैं यहाँ पे दे बिकेम वॉयेंट जब बहुत ज्यादा क्या हो गए झगड़े में आ गए बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए अच्छा जी एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्टर एंटी या एंटाई गवर्नमेंट

कहाँ से मिलेंगे आप थोड़ा सा सोचेंगे और आप क्या कर सकते हैं आप किससे पूछ भी सकते हैं इट्स परफेक्टली फाइन ओके सो वर्ड्स जो मेरे पास वर्ड्स हैं हम लिखते हैं एंटीसेप्टिक ऐसी चीज जो आपको इंफेक्शन नहीं होनी देती उसको कहते हैं एंटीसेप्टिक दूसरी बात एंटी डिप्रेसेंट्स ऐसी

الله حافظ